सतगुरु साहब सच्चे पातशाह के पावन हजूरी जुड़ के बैठे हैं। गुरु वालों बख्शी फतेह की सांझ पाओ। कल लिखो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज इस पवित्र स्थान पर संत ज्ञानी जरनैल सिंह खालसा पिंडाले का जन्म स्थान है। जिस स्थान तो मेरी दस्तारबंदी हुई तो आप कौम का एक कार्ज रंभिया, अज उस स्थान पर इस कौमी कार्ज को चलद एक जीवन के बड़े अहम मोड़ आप के खड़े हैं। पिछले एक महीने तो जो कुछ वापरिया वो तुम सारा कुछ देखा, मैं दोहरा नहीं, थोड़े समय से संखेप से आप गल बेट देनी है। एक महीना पहला जो हुकूमत ने जबर सिखा ढाया उस जबर न जरा पता को इस करके हो गया, जेकर गिरफ्तारी की गल होंगी तो शायद गिरफ्तारी के बहुत तरीके से जिन्होंने मैं सहयोग भी करता, पर जो चेहरा हुकूमत का नंगा होना सी दुनिया भर के सामने होया, जो सिख नौजवानों से जबर ढाया गया। देखो सतगुरु सच्चे पातशाह की कचहरी के असी दोषी नहीं, दुनियावी कचहरी असं दोषी हो सकते हैं। सो एक महीने तो बाद असी अज फैसला किया कि इस धरती से लड़े हाँ, इस धरती से लड़ांगे, धरती छड़ के कितने नहीं जाते। सो इस करके जोड़े झूठे केस साढ़े परचे पे ने इनका सामना असं अदालत कर लाँगे। तो संगत का बहुत बहुत धन्यवाद करना है। देखो संगत दरसा तो बिना ना तो एडे घेरिया चो निकल जाना संभव होंगे, संगत दरसा तो बिना ना तो इन्ना लम्मा समा जोड़ा रूप हो सोचना संभव होंगे। ये संगत दरसा के गुरु साहब की कृपा सदका सारा कुछ वापरिया, अज उस स्थान के उत्ते असी आप गिरफ्तारी देने का फैसला किया। ये गिरफ्तारी जी है ये अंत नहीं, ये शुरुआत है। सतगुर सच्चे पातशाह कृपा कर, यह जिहड़ा झूठ का बुलंदा साडे खिलाफ सिरजिया गया है इहनू भन्नदा संसार जिहड़ा सतगुरु सच्चे पातशाह कृपा करके इहनू भन्नणगे, ते सेठी संगतां दे जिहड़े असीं रूबरू जिहड़ा सन्मुख हो के संगतां विच विचरांगे।